तो काफी टाइम से बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में सॉन्ग चला था इंस्टाग्राम पे, और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि भैया तेरे हवाले के ऊपर एक अच्छा सलेक्शन बनाइए ताकि मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियो अपलोड कर सकूं। तो आज मैं स्पेशली फॉर यू और आपकी रिक्वेस्ट पे आज मैं लेसन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और तो वेलकम चाला कौस्टिक बॉय, मेरा नाम है फैसल। तो चलिए आज के लेसन स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा आसान है, इसको स्टेप बाय स्टेप देखिएगा आप प्रॉपर तरीके से इसको परफॉर्म कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें मैंने कॉर्ड कौन सी यूज करी है एंड कॉर्ड को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉर्ड लगाने से पहले हम लोग क्या करना है, कैपो को लगाना है 5th फ्रेट के ऊपर। तो अगर किसी को ये लो लगे या हाई लगे तो अपने अकॉर्डिंग इसको आगे पीछे कर सकता है। ठीक है, बाकी जो मैं कॉर्ड्स बताऊंगा फ्रेट के अकॉर्डिंग वो वैसे ही लगेगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग यूज कर रहे हैं सी मेजर कॉर्ड। एंड बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि भैया एक्सप्लेन भी कर दिया करिए कि कॉर्ड को कैसे होल्ड करना है, क्योंकि हम लोग डायग्राम से समझ नहीं पाते। तो सी मेजर देखिए कैसे लगानी है, सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट एंड फर्स्ट फिंगर, फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट एंड सेकंड फिंगर, फिफ्थ स्ट्रिंग एंड थर्ड फ्रेट एंड थर्ड फिंगर। ये आपकी बन जाएगी सी मेजर कॉर्ड। एंड एफ मेजर कॉर्ड मैं इसमें बार में लगा रहा था, एंड आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसमें मैं बार यूज नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वीडियोज मोस्टली बिगनर्स ही देखते हैं और बिगनर्स ही इस आस में आते हैं कि शायद कुछ आज वीडियो में सीखने को नया मिलेगा आसान मेरे लिए। तो मैं इसको बार कॉर्ड से नहीं करूंगा, आप लोग के लिए इसको ओपन कॉर्ड में बताऊंगा। जो मैंने इसमें एफ मेजर यूज करी है बार कॉर्ड में, आप लोग बार कॉर्ड में मत लगाइएगा, मैं इसको इजी टेक्निक बताता हूँ, इजी तरीका बताता हूँ। इसको लगाने के लिए हम लोग क्या करिएगा, नीचे की फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रिंग को और फर्स्ट फ्रेट पे हम लोग ऐसे आप लोग होल्ड कर लिएगा, और थर्ड स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पर रख लिएगा सेकंड फिंगर, एंड फोर्थ स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पर रख लिएगा थर्ड फिंगर। तो कुछ ऐसा शेप बन जाएगा, ये आप हो जाएगी आपकी एफ मेजर कॉर्ड। और जो मैंने थर्ड कॉर्ड यूज करी वो है जी मेजर कॉर्ड, जो कि मैं बार यूज कर रहा था। जो लोग बार यूज कर लेते हैं वो लोग बार यूज कर सकते हैं, उनको मुझे आई थिंक शायद बताने की जरूरत भी नहीं है, वो आराम से बार कॉर्ड यूज कर सकते हैं जी मेजर। एंड इसको भी आसान तरीके से मैं बता देता हूँ किस तरीके से आसान तरीके से करना है। जी मेजर को बार कॉर्ड लगाने से अच्छा है आप लगा सकते हैं इसमें ये जी मेजर, आप लोग ऐसे भी सिर्फ 3 फिंगर से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे आपको होल्ड करना है ये भी मैं बता देता हूँ। फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट एंड थर्ड फिंगर, एंड फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट एंड फर्स्ट फिंगर, एंड सिक्स स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट एंड सेकंड फिंगर। तो आपकी ये बन जाएगी जी मेजर कॉर्ड, तो ये भी आप लोग की ओपन कॉर्ड हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से शायद आप लोग को अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये बार कॉर्ड से बिल्कुल मैंने अलग कर दिया है, बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। ठीक है, एंड अब जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें मैंने कॉर्ड में जो प्लकिंग यूज करी है उसको कैसे यूज करना है, और मैं प्लकिंग बार बार चेंज नहीं कराऊंगा, आपको एक ही प्लकिंग रखूंगा ताकि आप लोग को बहुत ज्यादा आसानी है इसको प्ले करने में। तो सॉन्ग की स्टार्टिंग में मैंने कुछ इस तरीके से इसमें प्लकिंग करी है, न हो के भी करीब तू हमेशा पास था। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको भी मैं आसान तरीके से बताता हूँ आपको। ठीक है, तो इसको कैसे आपको परफॉर्म करना है, थंब से आपको हिट करनी है फिफ्थ स्ट्रिंग को, और इंडेक्स फिंगर से फर्स्ट फिंगर से आपको करनी है फोर्थ स्ट्रिंग। तो आपका हो गया 5 4 5 4, थंब इंडेक्स थंब इंडेक्स। उसके बाद क्या करना है, सेकेंड स्ट्रिंग को हिट करना है थर्ड फिंगर से अपने रिंग फिंगर से, और थर्ड स्ट्रिंग को करना है आपकी सेकेंड फिंगर से मतलब मिडिल फिंगर से करना है आपको स्ट्रोक करना है। तो थंब से उन्होंने किया फिफ्थ को, फोर्थ स्ट्रिंग को इंडेक्स फिंगर से, एंड सेकंड स्ट्रिंग को हमने किया रिंग फिंगर से, और थर्ड स्ट्रिंग को हमने किया सेकंड फिंगर से। तो इसको बिल्कुल स्लो करेंगे, थंब को थंब बोलूंगा, इसको 1 3 2 बोलूंगा। ठीक है, थंब 1 3 2, थंब 1 3 2। अब स्ट्रिंग में अगर बोलू तो 5 4 2 3, 5 4 2 3, 5 4 2 3। ठीक है, तो इसको बिल्कुल स्लो स्लो प्रैक्टिस करना है, और हल्का सी स्पीड फिर धीरे धीरे करके तेज करते चले आना, 5 4 2 3, 5 4 2 3। कम से कम इतनी स्पीड, 5 4 2 3, 5 4 2 3, 5 4 2 3। और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नेक्स्ट कॉर्ड में मैं इसको चेंज नहीं कराऊंगा। ठीक है, जैसे बहुत से लोग चेंज कराते हैं, बिकॉज चेंज करना ही पड़ता है, लेकिन मैं मेरे सारी वीडियोज में मैं यही अपने मद्देनजर रखता हूँ, यही यही सोच की वीडियो बनाता हूँ कि मैं एक बिगनर के लिए बना रहा हूँ, और बिगनर को क्या रिक्वायरमेंट होती है मुझे बेहतर तरीके से मालूम है, क्योंकि मैं भी किसी टाइम में बिगनर रह चुका हूँ। ठीक है,
तो आप लोग को इसी स्ट्रमिंग को, जैसे इसी प्लकिंग को 5 4 2 3 5 4 2 3 इसी को सी पे भी करना है, इसी को एफ पे भी करना है और इसी को हम लोग को जी पे भी करना है। मैं बार लगा रहा हूं लेकिन आप लोग वही ओपन कॉर्ड लगाएंगे जो मैंने कॉर्ड बताई, ठीक है। तो उसको कुछ ऐसा आ जाएगा, ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के सो जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। तो आपका ये प्लकिंग पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब जल्दी देखते हैं मैंने इसमें स्ट्रमिंग पैटर्न कौन से यूज किया, ठीक है। एंड स्ट्रमिंग पैटर्न इसमें बहुत ज्यादा आसान है, डाउन अप म्यूट अप अप म्यूट। कैसे प्ले कर रहे हैं, नीचे आपको स्ट्रमिंग दिख रहा होगा, डाउन अप म्यूट अप अप म्यूट। अब म्यूट कैसे करना है, अगर स्लो में दिखाऊं, मेरा पाम ऐसे आता है, पहले पाम का ये पार्ट आता है उसके बाद, तो इसको थोड़ा फास्ट करेंगे तो कैसा आता है, डाउन अप म्यूट अप अप म्यूट, ठीक है। तो उसको फास्ट करेंगे, डाउन, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रमिंग प्ले होता है, ठीक है। तो कॉर्ड स्ट्रमिंग और प्लकिंग को मर्ज करके देखते हैं इसको कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, कि सौ जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, कि सौ जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआं तेरे हवाले कर दिया। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प मिल पाई हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और आपको कमेंट करने से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की और वीडियोज बनाने के लिए। तो प्लीज कमेंट करना ना भूला करें, कमेंट जरूर किया करें, अपना फीडबैक जरूर दिया करें। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इन फ्यूचर में कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सेकंड थिंग इज कि आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब तो कर रखा है बट उसके बेल आइकन को प्रॉपर तरीके से प्रेस नहीं कर रखा है। प्लीज जाके एक बार चेक कर लें कि बेल आइकन पे ऑल सेलेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि मेरे पास काफी टाइम से नोटिफिकेशन आ रहा है कि आपके सब्सक्राइबर ने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं कर रखा है। तो प्लीज जाकर उसको एक बार चेक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्लीज ऑल पे सेलेक्ट कर लें। अगर आप लोग कोई भी रिक्वेस्ट है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं, नीचे आईडी आपको दिख रही होगी इंस्टाग्राम की, और क्वेश्चन फैसले के नाम से आईडी है, आप लोग इंस्टाग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं। अगर सर्च करने का भी टाइम नहीं है तो आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टाग्राम मैंने मेंशन किया है उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग सीधा इंस्टाग्राम पर पहुंच जाएंगे, वहां जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी रिक्वेस्ट हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे उस पर डीएम कर सकते हैं, मैं उस पर मोस्टली एक्टिव रहता हूँ। एंड सेकंड थिंग इज, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए कि जिस तरीके से आप लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट किया, प्यार किया, आज 37,000 प्लस हम लोग की फैमिली हो चुकी है। इसी तरीके से मेरा एक छोटा सी व्लॉग चैनल है द लखनवी नवाब के नाम से, अभी कुछ टाइम पहले मेरे से एक सब्सक्राइबर मिलने आया था दिल्ली से, मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। मतलब इस तरीके के मोमेंट्स को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ अपने ब्लॉग के थ्रू, तो मेरे ब्लॉग चैनल को भी प्लीज सपोर्ट करें। एंड द लखनवी नवाब के नाम से चैनल है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप लोग वहां जाकर चेक कर सकते हैं एंड उस पर क्लिक करके मेरे चैनल पर विजिट करके उसको सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरीके से उसको भी सपोर्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी तरीके से इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।